रहा नहीं जा रहा है। अब क्या करूं, और चल नहीं पा रहा हूँ। वो देख वो देख, रास्ते पे एक बूढ़ा आदमी गिर गया है, देखना देखना। गिरने दे, तेरा क्या जा रहा है? ऐसे क्यों बोल रहा है तू? एक बूढ़ा आदमी रास्ते पे गिर पड़ा है, चल 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 उनकी मदद करते हैं। आहा, लग रहा बहुत तेज लगा है, तबीयत खराब है। तू जा, मुझे नहीं जाना। तो फिर रे, मैं जा रहा हूँ। दादाजी दादाजी, रुकिए, उठिए 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 दादाजी, उठिए उठिए। रुक रुक रुक, मैं भी पकड़ के उठाता हूँ। कितना सारा फल, थोड़ा फल चुरा लेता हूँ। क्या रे ए बीरू, क्यों ले रहा है तू? हाँ? कहाँ, कुछ नहीं तो, कुछ नहीं। अरे दादाजी को पकड़, सही से उठा पकड़ के। उठिए 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 दादाजी, उठिए उठिए। धन्यवाद बच्चों, तुम लोग खुश रहो, जीते रहो बच्चों। एलो 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 बेटा, एलो एलो। नहीं नहीं दादाजी, वो फल आप ही रखिए, हम लोगों को नहीं चाहिए, रहने दीजिए। दादाजी ये बताइए, आप ऐसी हालत में बाहर क्यों घूम रहे हैं? शौक से नहीं निकला वो बेटा घर से, ये फल बाजार ले जाके बेचूंगा, जो पैसे आएंगे उसी से कुछ खाऊंगा बेटे। ओहो ऐसी बात है दादाजी, आप पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर बाजार चल जाइएगा फल बेचने। नहीं बेटे नहीं, ज्यादा दूर जाऊंगा तो फल कैसे बेचूंगा, फल नहीं बेचूंगा तो खाऊंगा क्या बेटे? ये भी सही है, मैं चलता हूँ बेटा, भगवान तुम दोनों का भला करे भला करे भला। सही से जाइएगा दादाजी। हाँ बेटा, हाँ। चल हम लोग भी चलते हैं। हाँ चल। फल खाएगा वीरू? ये फल तुझे कहाँ से मिला है बता? तू जब उस बूढ़े दादाजी को उठा रहा था तभी मैं उनके झोले से कुछ फल चुरा लिया था। ची 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 वीरू, तू बहुत बड़ा पाप किया है, तू बहुत बड़ा पाप किया है। तू चुप रे, पाप किस बात की पाप? उनको सहारा दिया हूँ, उठाया हूँ, उसके बदले कुछ फल ले लिया हूँ और क्या? वो फल बेचकर उस बूढ़े इंसान का पेट चलता है, तू फल चुरा लिया उनका, तू सही नहीं किया। ठीक किया हूँ, ज्यादा भोला मत बन तू, चुप रहे तू। कितना फल मीठा है, कितना मीठा है। ये बीरू कब सुधरेगा? इतना लालच करना अच्छी बात नहीं, मुसीबत में सबका साथ देना चाहिए, फायदा नहीं उठाना चाहिए। ज्यादा लालच ज्यादा चालाकी से ये कभी मुसीबत में ना पड़ जाए, बहुत चिंता होती है बीरू के लिए। हाँ? किसी की आवाज सुनाई दे रही है मुझे, बहुत तकलीफ में है लग रहा है। हाँ?
क्या हुआ? आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? थोड़ा पानी मिलेगा बेटा। पानी पीजिएगा आप, लेकिन यहाँ पानी में कहाँ से पाऊंगा? हाँ, वीरू का घर पास में है, जा रहा हूँ वहीं से लेके आता हूँ पानी। ला रहा हूँ पानी। नहीं नहीं, पानी नहीं है मेरे घर पे। अरे गरे, रास्ते पे गिरे पड़े रहेंगे और तू घर से मेरे पानी ले जाके पिलाएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं दूंगा। अरे बाप रे, ठीक है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे तो पानी पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा? हाँ, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे पानी पिला दूंगा, रुक मैं लाता हूँ। ले पानी पी ले। दे मुझे पानी। चल अब मेरे साथ। क्या हुआ, पानी पी ले तू? नहीं भाई, मैं अपना पानी मैं उस आदमी को पिलाऊंगा। ओहो, पता नहीं कब तू सुधरेगा, सबका मदद करता रहता है। ओहो, चल अब चल मेरे साथ तू। ठीक है चल। अरे दादाजी, आहिस्ते आराम से पीजिए पानी, वरना अटक जाएगा। आराम से पीजिए, आराम से। धन्यवाद बेटे, मन को शांति मिल गया। आप इस हालत में इस जंगल में क्यों पड़े हुए हैं? आपका घर वर नहीं है क्या? कैसे मैं रहता घर में, मुझे छूट की बीमारी हो गई बेटे। इसीलिए मेरे गांव वाले मेरे गांव से निकाल दिए। मैं 4 दिनों से इस पेड़ के नीचे पड़ा हूँ बेटा, युवराज भी मुझे ले नहीं जाते बेटा। यही तो, हमें मिल गया। आप कौन हैं? कौन नाट्यशाला से आए हैं आप? जाइए यहाँ से, जाइए। हाँ, मैं कोई नाट्यशाला से नहीं आया, मैं यमराज हूँ। हाँ, चित्रगुप्त के हिसाब किताब में एक मुर्दे का हिसाब नहीं मिल रहा है। ये कंप्यूटर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। वहाँ पे भी कंप्यूटर है क्या? बताओ। कंप्यूटर तो जरूर है, लेकिन इसमें एक हिसाब नहीं मिल रहा है, समझे? बहुत ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। साइड दो, उसे ले जाना है, बहुत काम पड़ा है मेरा, हट जाओ। हाँ, अरे नहीं, उनको आप कहीं नहीं लेके जा सकते, वो तो मरे ही नहीं है, नहीं ले जा सकते। मेरे बाप आधा तो मरा हुआ है ना, उसी में चल जाएगा। हटो तो सही, यमराज को जाके हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे भी उल्टा पुल्टा। ज्यादा ऊंची आवाज मत करो, अगले महीने में चुनाव है, तुम लोगों के लिए मेरा सीट खोना पड़ेगा, समझे? हाँ, ये कैसी बात? यमराज को सबक सिखाने के लिए यही मौका है। कुछ बोले हो क्या? मैं तो कह रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी अन्याय है, एक बूढ़े व्यक्ति जो अधमरा है, मरा नहीं, उसे ले जा रहे हो। वाह, चुप रहो तो। ये तो ठीक बात नहीं है यमराज जी। बोलो, क्या चाहिए तुम लोगों को? जो मांगोगे वही मिलेगा, बोलो। वीरू यमराज जी, आपको हम लोगों को एक ऐसा वर देना पड़ेगा ताकि हम लोगों का दुनिया में जय जयकार हो। ठीक है, रुको, ये देखो। ठीक है, सब रुको। हाँ? देखो, इस गेंद में स्पेशल पावर है, एक गेंद अगर साथ में है तब सारे के सारे तकलीफें दूर हो जाएगी। देखो, इस गेंद में इतना पावर है, जिसके पास रहेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर बनेगा। हाँ? अब बोलो, दोनों में किसको कौन गेंद चाहिए? मुझे ये वाला गेंद चाहिए।
मेरे लिए खाने पहनने के लिए ही काफी है, मुझे यही वाला बोल दे दीजिए यमराज जी। ये लो पकड़ो। तो फिर मैं चलता हूँ। अब तू देखना मुझे इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा शक्तिशाली और धनी रहूंगा मैं। मेरे लिए इतना ही काफी है, खाने पहनने पहनने ओढ़ने के लिए अब मेरे पास कोई अभाव नहीं रहेगा। अब मैं जो चाहूँ वो खाऊंगा, जो चाहूँ वो पहनूंगा और गांव वालों को भी मन पसंद जैसा सब कुछ खिलाऊंगा। अब गांव में जितने भी गरीब हैं मैं सबका मदद करूंगा, सबका। सुरे उस गरीबों को अपने साथ लेके मैं चला। अरे सुन बीरू सुन, इतना लालच ठीक नहीं है भाई, सुन मेरी बात सुन। स्वादिष्ट तो होगा ही होगा। आज तो बात नहीं। मन शांत हो गया। अरे प्राण भी शांत हो गया। भागो भागो भागो, राक्षस आ गया, भागो 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 भागो, आग लग गया, भागो, राक्षस ने आग लगा दिया गांव में, भागो भागो। पूरे गांव में एक भी लोग नहीं है, बीरू के अत्याचार से सारे लोग गांव छोड़ के भाग गए। यमराज, यमराज जी, यमराज तुम कहाँ हो, तुम एक बार सामने आओ। यमराज, यमराज जी एक बार सामने आओ। हाँ क्या हुआ, क्यों मुझे बुलाए हो? यमराज जी आप अपना मैजिक वाला बॉल अब वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ है? हाँ पता है आपको। भागो 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 भागो, अरे भागो भागो भागो, बचाओ बचाओ, अरे बाबरे भागो, राक्षस ने आग लगवा दी गांव में, भागो भागो भागो, अरे बाबरे क्या करूँ, बचाओ 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 बचाओ। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे आप? उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। सच में? कल सुबह होते ही देख लेना। तो फिर मैं चलता हूँ। बाबू, 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 बाबू।
धीरे धीरे छोटा होता जा रहा हूँ। एक गया बचाओ बचाओ मुझे कोई बचाओ। अरे 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 शैतान शैतान ये जीतू ही है। राक्षस बना हुआ था। इसको सही सबक मिला है। सबक नहीं सिखाया वो तो क्या करोगे। मुझे माफ कर दे भाई नरेंद्र, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो भी बताओ हम लोग क्या सीखे हैं इससे। ताकत का बुरा इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, ताकत को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए भी करना चाहिए।